हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, चरहट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन आप इन 10 में से कोई भी एक उपाय करिए, माता लक्ष्मी आपके पास भागी चली आएंगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के दिन उत्पन्ना एकादशी होती है। विष्णु भगवान से जन्मे उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस साल 3 दिसंबर को मना रहे हैं। इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, इसलिए हिंदू धर्म के लोग इसे पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं। एकादशियों को विशेष महत्व के कारण है, इनके व्रत कल्याणकारी होते हैं। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी में भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा की जाती है। उत्पन्ना एकादशी में कुछ उपाय कर लेने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए हम आपको उत्पन्ना एकादशी के कुछ अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन किसी भी विष्णु मंदिर में पीले पुष्प की माला जरूर अर्पित करें। दूसरी चीज, एकादशी के दिन विष्णु भगवान को तुलसी के पत्तों वाली केसर की खीर का भोग लगाएं। तीसरी चीज, एकादशी की सुबह पीपल के पेड़ की पूजा करें, पेड़ की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और घी का दीपक जलाकर लौट आएं। अगली चीज, एकादशी के दिन निर्जला व्रत करना चाहिए, व्रत का संकल्प कर लें और व्रत द्वादशी के दिन ही तोड़ें। अगली चीज, एकादशी के दिन सुहागिन स्त्री को घर पर दावत दें, उन्हें फलाहार करवाएं और सुहाग सामग्री दान करें। अगला, एकादशी के दिन तुलसी पूजा अति लाभकारी मानी जाती है। अगली चीज, तुलसी के निकट घी का दीपक इस दिन जरूर जलाएं और आरती करें। अगली चीज, एकादशी पर तुलसी पूजा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें और इस दिन तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। अगला, एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। अगला, एकादशी पर्व पर आप पीले फलों, अन्न और पीले वस्त्र जरूर दान करें। दोस्तों, यदि आप इस एकादशी पर इस प्रकार से यह सभी उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। दोस्तों, तो आप इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जरूर पूजा करें, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर पधारेंगे। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।